खोराबार थाना के अंतर्गत पड़ने वाली पुलिस चौकी फलमंडी के पुलिस कर्मियों को उस समय सफलता मिली जब दो नाबालिग लड़के झोला में चोरी के मोबाइल को लेकर बेचने की फिराक में जा रहे थे। उसी दौरान मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर उनको धर दबोचा गया और जब उनके बैग की चेकिंग की गई तो चोरी के 13 मोबाइल सेट तथा 7700 रुपये बरामद हुए। गिरफ्तार बाल अपचारी क्रमशः मिर्जापुर थाना कैंट तथा महवा थाना खोराबार के निवासी के रूप में हुई। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए ASP रोहन प्रमोद बोत्रे ने कहा, कुछ दिन पहले एक चोरी की घटना एक मोबाइल स्टोर में लिखी गई, मोबाइल स्टोर में चोरी हुई थी। करीबन 13 मोबाइल और कुछ कैश उसमें से चोरी हुआ था। ये घटना धारा 380 411 के तहत थाना खोराबार में लिखी गई थी। दौरान चेकिंग कल IC फलमंडी को और उनकी टीम को ये कुछ जो दो लड़के एक झोला लिए हुए जा रहे थे, उनको रोकने पर पूछताछ करने पर उनके पास 13 मोबाइल और कुछ कैश उसमें से बरामद हुआ था। लड़कों का नाम है हो सकता है बेचने के फिराक में हो, तो आगे भी इस तरह का कोई अपराध किए नहीं, चूँकि ये नाबालिग है। इसके पहले के जो भी अपराध का कुछ किया होगा तो उसके बारे में अभी इन्वेस्टिगेशन शुरू है, पता नहीं है।